Hello friends, once again welcome back to Core Chemical Engineering channel. So today in this tutorial I'm gonna discuss about closed loop linear control system. In that I'll discuss about components of control system, then after that I'll discuss about block diagram for simple control system. After that I'm gonna tell you about negative feedback versus positive feedback, what are all this. Then after that I'll tell you the difference between servo problem versus regulatory problem and the examples based on this. So after this I'll discuss about steps involved in the feedback control system. Okay, and this is the example in which I had explained about the set point tracking servo problem and the regulatory problem. All these things I'm gonna discuss in this video. Apart from that, I'll discuss about feedback control, their flow, block flow diagram, what is open system, what is closed system, how these are varying with respect to each other. Okay, so before I go into the details of all this, I would like to tell that previously I had covered 8 tutorials based on first order system and introduction to Laplace transforms. First order system in series, interacting system, non-interacting system. Then after that I had covered the numerical problem based on the first order system. So all those tutorials I had already covered, and the link of all those tutorials I'll give in my description box. So if you guys want to check those tutorials, you can click on those tutorials and watch. So I'll give the link of all those tutorials in my description box. So let's discuss now. First of all, यार क्लोज लूप लीनियर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, तो सिंपल सा एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ. क्लोज लूप लीनियर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, क्लोज लूप लीनियर कंट्रोल सिस्टम का मतलब कोई एक सिस्टम दिया हुआ. सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम आपका बना हुआ है, राइट. ओके, तो इस डायग्राम में क्या है, ये आपका मास जो आपको डब्ल्यू दिखा रहा है ओमेगा, ये मास फ्लो रेट है, टेम्परेचर टी आई इनलेट टेम्परेचर है, और ओमेगा ये वाला मास आउटलेट मास फ्लो रेट है, और टी आई आउटलेट टेम्परेचर यहाँ पे दिखाया गया है, राइट. अभी क्या है, इसमें ये इन है ये आउट है, यहाँ पे हीट हम इनपुट दे रहे हैं. इसमें सपोज़ हमें टेम्परेचर को एक टेम्परेचर सेट पॉइंट टी आर है जिसको मेंटेन करना है, इससे ज़्यादा हमारा टेम्परेचर, इस सिस्टम का टेम्परेचर हमारा टी आर होना चाहिए, राइट. और ये क्या है, टेम्परेचर मेजरिंग एलिमेंट है. अब इसको मेजर करने के लिए क्या है, एक मेजरिंग एलिमेंट होगा जो हमें कंट्रोलर में जाएगा, वो वैल्यू देगा, और वहाँ कंट्रोलर क्या करेगा, कंपेयर करेगा अपने सेट वैल्यू से, क्योंकि हमने सेट वैल्यू ऑलरेडी दे दिया होगा. सपोज हमने 130 डिग्री सेल्सियस दे दिया और ये 140 डिग्री सेल्सियस मेजर कर रहा है, तो दोनों का डिफरेंस आपका 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. तो कंट्रोलर ऐसे कमांड देगा इस फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को, अब फाइनल कंट्रोल एलिमेंट मतलब जो हीट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है उसको ऐसे कंट्रोल करेगा ताकि वो 10 डिग्री का रिडक्शन कर दे. तो ये ओवरऑल क्या बनना है, अपना क्लोज लूप बनना है, राइट. तो ये एक टाइप का कंट्रोलर हुआ, और हीट जो हम दे रहे हैं या इधर इलेक्ट्रिकल पावर से इलेक्ट्रिक हीटर हो सकता है या स्टीम हो सकता है. अब डिटेल्स में हम डिस्कस करते ना, हियर यू कैन सी अ लिक्विड स्ट्रीम एट टी आई टेम्परेचर इंटर्स एन इंसुलेटेड वेल स्टेट टैंक एट अ कॉन्स्टेंट फ्लो रेट ओमेगा मास बाय टाइम. इट इज़ डिजायर टू मेंटेन और कंट्रोल टेम्परेचर इन द टैंक एट टी आर. ओके, तो टी आर इज द सेट वैल्यू दैट वी नीड टू मेंटेन इन द टैंक बाय मीन्स ऑफ द कंट्रोलर. इफ द मेजर टैंक टेम्परेचर टी एम डिफर्स फ्रॉम द डिजायर टेम्परेचर टी आर, सो दिस वन इज द मेजरिंग एलिमेंट. मेजरिंग एलिमेंट कैन बी योर थर्मोवेल, ओके, या योर टी. इन जनरली यूनिवर्सिटी विल बी सींग दैट देर वुड बी अ टेम्परेचर एलिमेंट थर्मोवेल दैट विल मेजर द टेम्परेचर देयर. दे कैन बी like that can be transmitter or locally you can see if gauge has been installed in the field. Now we have to, if the measured tank temperature TM differs from the desired temperature TR, the controller sends the difference or error is equal to TR minus TM. That's what I told you, and changes the heat input in such a way is to reduce the magnitude of error. So simple सा फंडा इसका कि हमें एक टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करना है जो टी आर टेम्परेचर है, और ये हम यहाँ से हम हीट इसको देते हैं, और टी आर टेम्परेचर हमारा सेट वैल्यू है.
अब वहाँ पे एक सेंसिंग एलिमेंट हमने लगा दिया है, कोई थर्मोवेल है या टेम्परेचर ट्रांसमीटर है, वो टेम्परेचर मेजर मेजर करता है, कंट्रोलर को देता है, कंट्रोलर क्या होता है, सेट वैल्यू से कंपेयर करता है। अगर सेट वैल्यू सपोज ज़्यादा हो जाता है तो ये कंट्रोलर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को ऐसे कमांड देगा कि ताकि यहाँ पर आपको टेम्परेचर कम करना है, इनकेस यहाँ एरर पॉजिटिव में आता, इनकेस एरर आपका नेगेटिव में आता तो ये ऐसे कमांड करेगा कि नहीं आपको हीट बढ़ाना है। तो डिपेंड करता है किस टाइप का आपका यहाँ पे हीटिंग मीडिया यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिक हीटर यूज़ कर रहे हो तो पावर आपको बढ़ाना पड़ेगा, स्टीम यूज़ कर रहे हो फॉर द हीटिंग दैट सिस्टम, देन यू नीड टू ओपन द वॉल फॉर द मोर अलाउ इन ऑर्डर टू अलाउ मोर फ्लो ऑफ स्टीम इन टू द सिस्टम, राइट। दिस इज हाउ यू कैन कंट्रोल द टेम्परेचर इन टू दिस सिस्टम। नाउ ब्लॉक डायग्राम फॉर अ सिंपल कंट्रोल सिस्टम। अभी क्या है, ब्लॉक डायग्राम है सिंपल कंट्रोल सिस्टम का। तो हमने ऑलरेडी आपको बताया था यहाँ पे जो कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एक प्रोसेस हो गया, स्टेट टैंक रिएक्टर, मेजरिंग एलिमेंट क्या हो गया अपना, थर्मोमीटर हो गया, दैट इज ट्रांसमीटर, टेम्परेचर ट्रांसमीटर TT, और कंट्रोलर क्या हो गया, ये हमारा कंट्रोलर हो गया जो उसको कंट्रोल हो गया, और फाइनल कंट्रोल एलिमेंट क्या होगा, इट कैन बी वेरिएबल ट्रांसफर और कंट्रोल वाल्व, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपको आपका प्रोसेस जो हम यूज़ करते हैं, राइट। अब इसको हम लोग ब्लॉक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं TR सेट वैल्यू है, ये हमारा कंपरेटर है जहाँ पे हम लोग सेट जो मेजर वैल्यू हमारा प्रोसेस का मेजर करेगा उसको ये कंपरेटर क्या कंपेयर करेगा, तो वो एरर जनरेट करेगा। एरर क्या होता है, वैल्यू जाता है कंट्रोलर में फीड होता है। अब कंट्रोलर का काम क्या है, उस एरर के हिसाब से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को ऑर्डर देना है कि वो लोड बढ़ाए या घटाए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपका पॉजिटिव में वैल्यू आता है तो लोड उसको रिड्यूस करना है, मतलब अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको रिड्यूस करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट ओपन्स एंड क्लोज इफ इट इज़ कंट्रोल वाल्व और हीट, मतलब इलेक्ट्रिक हीटर है तो हीट ड्यूटी को कम या रिड्यूस करेगा। तो वहाँ से क्या प्रोसेस पे इफेक्ट आएगा। अब उस प्रोसेस का जो इफेक्ट है, अगेन वो कंट्रोल वेरिएबल जो आपका है वो टेम्परेचर मेजरिंग, अगेन वो टेम्परेचर मेजर करेगा इस प्रोसेस का और अगेन कंपेयर करेगा। तो उसके बेसिस जो डिफरेंस आता है, एरर आता है, उसके बेसिस पे हम इस प्रोसेस को अपने लोग कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या हो गया, ब्लॉक डायग्राम फॉर अ सिंपल कंट्रोल सिस्टम। नाउ यू कैन रीड इट हियर, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इज कॉल्ड क्लोज्ड लूप सिस्टम और अ फीडबैक सिस्टम बिकॉज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज द रिटर्न और फेड बैक टू ए डिवाइस कॉल्ड कंपरेटर। इसको अब लोग क्लोज लूप बोलते हैं या फिर फीडबैक, क्योंकि ऑलरेडी जो हम आउटपुट हमारा आता है इसी को मेजर करके हम लोग फिर से कंपरेटर में डालते हैं, जिससे अपने लोग अगेन इस चीज़ को पूरे प्रोसेस को मॉनिटर करते हैं। तो इसलिए क्योंकि बैक हम ले रहे हैं प्रोसेस, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक सिस्टम, राइट। नाउ इन द कंपरेटर द कंट्रोल वेरिएबल इज कंपेयर्ड विद द डिजायर्ड वैल्यू, दैट इज द सेट वैल्यू। इफ देर इज एनी डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वेरिएबल एंड द सेट वैल्यू एंड एरर इज जनरेटेड, दिस एरर एंटर्स अ कंट्रोलर विच इन टर्न्स एडजस्ट द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट टू रिटर्न द कंट्रोल वेरिएबल टू द सेट पॉइंट। तो वही जो मैंने आपको बताया वही है एग्जैक्टली। नाउ द डिफरेंस बिटवीन निगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निगेटिव फीडबैक सिस्टम। सो निगेटिव फीडबैक सिस्टम इंश्योर्स दैट द डिफरेंस बिटवीन TR एंड TM, TR इज योर सेट टेम्परेचर दैट वी हैव गिवेन एंड TM इज द मेजर्ड वैल्यू दैट वी हैव मेजर्ड आफ्टर आफ्टर द कंट्रोलिंग, इज यूज टू एडजस्ट द कंट्रोल एलिमेंट सो दैट द टेंडेंसी इज टू रिड्यूस द एरर। तो निगेटिव फीडबैक में क्या होता है कि अपने को मेन फंडा जो पर्पज़ होता है एरर को रिड्यूस करना, ताकि हमारा सेट वैल्यू के पास अपना अपना सेट वैल्यू अचीव कर सके। नाउ एज्यूम द सिस्टम इज एट स्टेडी स्टेट एंड दैट एंड सच दैट T इज इक्वल टू TM इज इक्वल टू R, मीन्स वेन द टेम्परेचर वी आर गेटिंग हेयर आउटपुट टेम्परेचर आउटलेट टेम्परेचर T इज इक्वल टू TM, द वैल्यू वी हैड मेजरिंग T इज इक्वल टू TM एंड इज इक्वल टू TR, मीन्स सेट वैल्यू एंड मेजरमेंट मेजर्ड वैल्यू आर सेम, राइट। देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इफ़ द लोड TI शुड इंक्रीज T एंड TM वुड स्टार्ट इंक्रीज। अगर हम यहाँ पे देखो लोड टेम्परेचर बढ़ाने लगे तो क्या इसका जो मेजर्ड वैल्यू आएगा वो क्या बढ़ने लगेगा, तो T बढ़ेगा तो मेजर TM भी बढ़ेगा, राइट। अब क्या है अपना सीन, विच वुड कॉज द एरर, तो T एंड TM हमारा बढ़ जाएगा तो T माइनस TR माइनस TM या TM माइनस TR का जो वैल्यू आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, एरर जनरेट करेगा एंड द एरर टू बिकम निगेटिव बिकॉज T माइनस TM,
टी हमारा ऑलरेडी टी इसको टी एम इसको टी आर था और टी एम हमारा बढ़ गया, तो टी माइनस टी एम क्या निगेटिव वैल्यू क्रिएट करेगा। विथ प्रोपोर्शनल कंट्रोल द डिक्रीज इन एरर वुड कॉज द कंट्रोलर एंड फाइनल कंट्रोल एलिमेंट टू डिक्रीज द फ्लो ऑफ हीट वुड इवेंचुअली बी रिड्यूस टू ए वैल्यू सच दैट द टी अप्रोचेस टी आर। तो उसके हिसाब से हमारा जो एरर आया उसके हिसाब से हमारा कंट्रोलर जो होगा कंट्रोल फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कमांड देगा कि आप क्या करो इसको टेम्परेचर एरर को रिड्यूस करना है। ओके तो आप हीट ड्यूटी को कम करो वहाँ पे ताकि यहाँ पे टेम्परेचर आना कम हो जाए, आउटपुट में टेम्परेचर आना कम हो जाए। और फिर से अगर कंपेयर करें तब तक ये वैल्यू काम होता रहेगा जब तक हमारा टी माइनस टी एम का वैल्यू टी आर माइनस टी एम का वैल्यू हमारा जीरो नहीं आ जाता है। तो दिस इज़ हाउ फीडबैक फीडबैक कंट्रोलर वर्क्स। नाउ पॉजिटिव फीडबैक। सो इफ द सिग्नल टू द कंपरेटर वर ऑब्टेन बाय एडिंग टी आर प्लस टी एम, हियर वी वर प्रीवियसली व्हाट वर वी डूइंग फॉर द केस ऑफ फीडबैक कंट्रोलर, हियर वी वर टेकिंग द डिफरेंस एरर वी वर टेकिंग एज अ डिफरेंस, बट फॉर द पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोलर वी हैव टू एड बोथ, मतलब टी आर प्लस टी एम वी नीड टू एड इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग। ओके वी वुड हैव ए पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम विच इज़ इनहेरेंटली अनस्टेबल, मीन्स अगर हम उसको ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा वो अगेन जो हमारा कंट्रोलर होगा उसको कमांड देगा कि और ज़्यादा हीट ड्यूटी बढ़ाओ, तो उसके हिसाब से कि हमारा सिस्टम एक्चुअली में अनस्टेबल रहेगा। तो जनरली हम क्या है कि इसको अवॉइड करते हैं, वी नेवर यूज पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोलर। सो दैट इज मेजर्ड वेरिएबल इज एडेड टू द सिस्टम। तो मेजर्ड वैल्यू वेरिएबल क्या हमारा सिस्टम में ऐड होता जाएगा जो कि हमारे लिए अनस्टेबल है। नाउ वी डिस्कस अबाउट सर्वो प्रॉब्लम वर्सेज रेगुलेटरी प्रॉब्लम। तो सर्वो प्रॉब्लम का मेन फंडा क्या, सेट पॉइंट ट्रैकिंग, मीन्स जो अपना लोड डज नॉट चेंज विद टाइम। तो जो हमारा यू आ रहा है यहाँ पे आप देखोगे, आई वॉज टेलिंग हियर यू लोड जो हम बोल रहे थे ये लोड ये चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो रहेगा। सो द गोल ऑफ द कंट्रोल सिस्टम फॉर दिस टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम इज टू फोर्स द सिस्टम टू करेक्ट ट्रैक द रिक्वेस्टेड सेट पॉइंट चेंजेस। तो सेट पॉइंट जो हम चेंज करते हैं उसको ट्रैक करना है इसके हिसाब से। सो द सर्वो प्रॉब्लम एक्चुअली द स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल विद द सेट पॉइंट विद टाइम फॉर कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ द लोड वेरिएबल इज नोन एज सर्वो प्रॉब्लम। ओके इन केस ऑफ सर्वो प्रॉब्लम द लोड वेरिएबल डज नॉट वेरी विद टाइम, सो डी यू बाई डी टी हमारा क्या होगा जीरो होगा। एंड एट दिस कंडीशन द वेरिएशन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल विद द सेट पॉइंट इज ऑब्टेंड। नाउ फॉर द रेगुलेटरी प्रॉब्लम सेट पॉइंट डज नॉट चेंज, हियर लोड वॉज कॉन्स्टेंट बट फॉर रेगुलेटरी प्रॉब्लम हियर सेट पॉइंट वुड चेंज, डी आर बाई डी टी वुड बी जीरो, वी कैन चेंज द लोड। सो द गोल ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज टू इनेबल द सिस्टम टू कंपनसेट फॉर लोड चेंजेस एंड मेंटेन द कंट्रोल वेरिएबल एट द सेट पॉइंट। सो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड रेगुलेटरी प्रॉब्लम सिस्टम। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टर्बेंस रिजेक्शन सिस्टम ऑल्सो। सो द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल विद द वेरिएशन इन द लोड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ द सेट पॉइंट इज नोन एज रेगुलेटरी प्रॉब्लम रेगुलेटरी कंट्रोल प्रॉब्लम। इन दिस केस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो आर सेट पॉइंट डज नॉट वेरी विद टाइम एंड रिमेन कॉन्स्टेंट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोना कवर हियर स्टेप्स इन फीडबैक कंट्रोल। वॉट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फीडबैक कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेजर द आउटपुट वैल्यू वाई एम। नाउ कंपेयर द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वाई एम टू द डिजायर्ड वैल्यू, मीन सेट जो हमारा आउटपुट आया है आउटपुट को हमको जो हमने सेट वैल्यू दिया है उससे कंपेयर करना है, देन विल गेट द एरर। सो द वैल्यू ऑफ द डिविएशन इज सप्लाइड टू द कंट्रोलर, सो विल गेट द एरर एंड दैट एरर हम लोग क्या करेंगे कंट्रोलर में फीड करेंगे। सो द कंट्रोलर एडजस्ट द वैल्यू ऑफ द मैनिपुलेटेड वेरिएबल एम इन सच ए वे एज टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिविएशन। तो मेन पर्पज जो कंट्रोलर का होता है वो इस हिसाब से फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कमांड देता है कि वो उसको एरर को रिड्यूस करना है। तो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड दिस इज हाउ अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल्स द आउटपुट वेरिएबल। नाउ वन एग्जाम्पल विल डिस्कस हेयर बेस्ड ऑन द सेट पॉइंट ट्रैकिंग एंड डिस्टर्बेंस रिजेक्शन। सो हेयर इज द डिस्टिलेशन कॉलम टू सेपरेट अ बाइनरी मिक्सचर, दिस इज द फीड एक्स एफ इज द फीड कंपोजिशन, ओके एफ बी इज द बॉटम फ्लो रेट, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन एट द बॉटम एंड एफ आर इज
reflux, FD is the distillase, XD is the composition in the distillase, QC is the heat duty to the condenser. Now the column is operating at XD equal to XD1, but new customer demands higher purity. Means column was operating at some value XD1, but the new customer demands high purity, that is XD equal to XD2. So the feedback controller needs to bring the operation to a new operating point. This kind of system is called set point tracking. We are going to track the set point. We need to make sure the system should reach at a point where it gives the XD equal to XD2. Now for the disturbance rejection, okay, that is servo problem, this is regulatory problem. For this, feed to the column comes from the upstream unit and is subjected to variations. The feedback controller needs to compensate for its effect on the column operation. So is type ka problem kya bolte hain hum log, regulatory problem, disturbance rejection. Now feedback control. So open system mein process hota hai, usme load dete hain aur output aa jata hai, to usko kya is type ke system ko kya bolte hain, open system. क्लोज सिस्टम में क्या होता है, ब्लॉक फ्लो डायग्राम कुछ ऐसा रहेगा. अपने को सबसे पहले टेम्परेचर ये मेजर करेगा, मेजरिंग एलिमेंट कंपैरेटर में कंपेयर करेगा, एरर कंपेयर करेगा, वो एरर का मैग्नीट्यूड कंट्रोलर में जाएगा, कंट्रोलर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को कमांड देगा इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एरर, और फाइनली प्रोसेस में वो लोड का एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा डिपेंड्स ऑन द एरर वैल्यू. सो फिर हमारा प्रोसेस डिस्टर्ब एक आउटकम आएगा, उसका अगेन हम वैल्यू का मेजरमेंट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे. दिस इज हाउ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम वर्क्स. नाउ विल डिस्कस अबाउट क्लोज लूप एंड ओपन लूप सिस्टम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन लूप, ओके, इन ओपन लूप सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस ट्रांसफर फंक्शन एंड द डिस्टर्बेंस ट्रांसफर फंक्शन. सिंपली क्या है, एम एस प्रोसेस है, जी ऑफ एस, इसमें क्या है, हम लोग डिस्टर्बेंस दे देते हैं. डिस्टर्बेंस क्या जो आउटपुट आता है, इस टाइप ऑफ ब्लॉक डायग्राम को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सिस्टम बोलते हैं. क्लोज वाले में क्या सीन होता है कि जीसी मतलब हमारा कंट्रोलर भी होगा, फाइनल कंट्रोल भी एलिमेंट होगा, हमारा प्रोसेस भी होगा, उस पर डिस्टर्बेंस भी आएगा, उसके बाद आउटपुट आएगा, आउटपुट को हम मेज़र करेंगे, मेज़र करने के बाद कंपरेटर में डालेंगे, कंपरेटर में हम लोग क्या करेंगे, उसको एरर को मेज़र करेंगे. एरर जो एरर आएगा वो फाइनल कंट्रोल एलिमेंट में जाएगा, कंट्रोल एलिमेंट का काम कमांड ऐसे देगा फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को इज टू रिड्यूस द एरर. तो ये डायग्राम क्या है अपना, क्लोज लूप ब्लॉक फ्लो डायग्राम है, और ये क्या है, दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द कनेक्टिविटी ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इन द फीडबैक लूप. तो ये फीडबैक लूप सिस्टम बेसिकली. नाउ फन स्टर हीटर ट्रांसफर फंक्शन, एक स्टर हीटर है जिसका ट्रांसफर फंक्शन हमें निकालना है. टी आई इज द इनलेट हीट है, या यहाँ पे हमने क्यू इज द हीट गिवन इन टू द सिस्टम, ओके, एंड टी इज द आउटलेट टेम्परेचर. तो इसमें क्या, सबसे पहले हमें एनर्जी मिलेंस करना है. एनर्जी हीट इनपुट इज क्यू प्लस इन एम सी पी, टी आई है तो टी रेफरेंस, एम सी पी डी टी, एम सी पी टी आई माइनस टी रेफरेंस, माइनस ऑफ आउटपुट क्या है अपना, एम सी पी टी माइनस टी रेफरेंस, और इज इक्वल टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन. तो रो इंटू वी क्या हो गया, मास हो गया, एम इंटू सी पी इंटू डी टी बाई डी टी. सो ये हमारा टोटल एनर्जी एक्यूमुलेशन हो गया. सो एट स्टेडी स्टेट क्या जाएगा, दिस क्यू एस प्लस एम सी पी टी आई एस माइनस टी रेफरेंस माइनस ऑफ एम सी पी टी एस माइनस टी टी ऑफ रेफरेंस इज इक्वल टू जीरो, टी ऑफ इज इक्वल टू जीरो. अब क्या है, विल डू इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू, इफ वी डू द इक्वेशन वन माइनस इक्वेशन टू विल गेट दिस इक्वेशन, क्यू माइनस क्यू वन प्लस एम सी पी टी आई माइनस टी आई ऑफ एस माइनस ऑफ टी माइनस टी ऑफ एस इज इक्वल टू रो बी सी पी डी टी माइनस टी आई ऑफ एस बाय डी टी. सो हियर विल फॉर्म द वी हैव गॉटन द डिविएशन फॉर्म. सो टी आई डैश इक्वल टू टी आई माइनस टी आई एस एंड टी डैश इक्वल टू टी माइनस टी एस एंड क्यू माइनस क्यू एस इज इक्वल टू क्यू. सो लेट्स पुट दिस वैल्यू. नाउ विल टेक द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, विल गेट दिस value, after this we'll get this value, and if you solve all this we'll get where tau is equal to rho v by m dot, we'll get t dash of s is equal to 1 by m dot cp divided by tau s plus 1 into q of s plus 1 divided by tau s plus 1 into t dash of, yeah, this is equation 1. Now the gain for q of t is m 1 divided by m dot cp. Here gain for q of t is here 1 divided by m dot of cp. So the equation one, we can see two independent quantities, the heater input and the inlet temperature can cause changes in the outlet temperature, okay. So there are two things, one is the inlet temperature and the second is the heat duty of the heater, inlet heat that we are giving through the heater. So these are the two things
okay, two quantities that can change the outlet temperature. So the effect of these two quantities are additive. So a consequences of linear equation and superposition. So case one, we'll take two conditions here. Case one, if there is a change in the Q of T only, then T dash of T is equal to zero. If there is a change in the Q of T, then T dash of S is equal to zero, right? Because T minus T S steady state value is your zero. For that case, we'll get T dash of S divided by Q of S equal to M divided by 1 divided by M dot Cp divided by tau S plus 1. Now for the case second, if there is no change in T dash of Ti dash of T only, then Q of T is equal to zero, and the transfer function relating to T dash of Ti dash is equal to T dash of S divided by Ti dash of S equal to 1 divided by tau S plus 1. So this is how we have calculated for the two cases. Okay, now if we want to make a block diagram for those two, so T dash of S into 1 plus tau S plus 1, here you can see T dash of S 1 into 1 T dash of S into 1 divided by tau S plus 1. So that's what we have gotten here, into Q dash of S into 1 divided by MCP divided by tau S plus 1. Now if we add these two, we'll get T dash of S. So that's what we have gotten it here, right? Now block diagram for A, this is the block diagram for this equation. Now for block diagram for open system, for that Q of S is equal to 1 divided by MCP, T dash of S is equal to 1 divided by tau S plus 1. In this figure, the input variable 1 divided by MCP into Q of S and TIS are summed before being operated by the transfer function 1 divided by tau S plus 1. So basically क्या है, इसी चीज़ को जो हमारा ये वैल्यू हमारा इक्वेशन वन आया है ये वैल्यू, ओके, इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अभी क्या किया हमने, Q of S into 1 divided by M dot Cp ये हो गया इन मल्टीप्लीकेशन में, देन टी आई ऑफ डैश ऑफ एस. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, ये दोनों का सम हो गया और कॉमन का मल्टीप्लीकेशन 1 डिवाइड बाई टाउस प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा जो नेट वैल्यू आएगा टी डैश ऑफ एस आ जाएगा, राइट? सो हियर यू सिंपली यू कैन सी इट हियर आल्सो 1 डिवाइड बाई एम डॉट सी पी इंटू क्यू ऑफ एस, ओके, प्लस टी डैश ऑफ एस और 1 डिवाइड बाई टाउस प्लस 1, हियर 1 डिवाइड बाई टाउस प्लस 1 इज कॉमन इन बोथ. सो वी कैन राइट this equation in this form also, okay? So this kind of operation is called summing junction, input plus input, or yahan pe humne operation laga diya is equal to output. So guys, that's all for today. If you do like this video, please do share among your friends, colleagues and juniors, and if you want to know anything else apart from this, you can comment in the comment box. I'll definitely reply. I'll make the video for your query, or else I'll reply there itself in the comment box. So thank you so much. And one more request is there from you guys, please do subscribe this channel, and don't forget to ask your friends and colleagues to subscribe this channel. Thank you so much.